हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी मैथमेटिक्स इंटरेस्ट पेपर तय करते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, लेट एफ आर टू आर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर माइनस फाइव टू एक्स पी माइनस वन का होल क्यूब डी टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल एफ टेक द वैल्यू वन। फ्रेंड्स, ऐसे ही अनेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर देखिए। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है माइनस सिक्स जीरो, माइनस टू फोर, टू एट, सिक्स ट्वेल्व। फ्रेंड्स, ये मल्टी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास? एफ एक्स बराबर है माइनस फाइव टू एक्स टी माइनस वन का क्यूब डी टी। अगर इंटीग्रेशन कर दें इसका तो हो जाएगा टी माइनस वन का फोर अपॉन फाइव, सॉरी अपॉन फोर, ये हो गया और लिमिट है इसकी माइनस फाइव टू एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स माइनस वन का फोर अपॉन फाइव, सॉरी अपॉन फोर, और जब फाइव को अप्लाई किया तो हमने, या माइनस फाइव को अप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस फाइव को अप्लाई करेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस फाइव माइनस वन, ये हुए माइनस सिक्स, ये हुए माइनस सिक्स, और ये हो गए हमारे पास माइनस सिक्स टू की पावर फोर अपॉन फोर। ये हमारे पास फ्रेंड्स एफ एक्स बराबर आ गया। अब ये एफ एक्स बराबर हमारे पास दिया क्या है, फॉलोइंग इंटरवल एफ टेक द वैल्यू वन, यानी ये वैल्यू जो है इक्वल टू वन है। तो इस कंडीशन में ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस वन टू दी पावर फोर माइनस सिक्स टू दी पावर फोर इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो फोर आएगा, फोर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं हम देख रहे हैं, तो ये हो गया फोर। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन टू दी पावर फोर इक्वल टू सिक्स टू दी पावर फोर प्लस फोर। तो सिक्स टू दी पावर फोर की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? सिक्स टू दी पावर फोर की वैल्यू होती है 12, 9, 6 प्लस 4, तो ये हो गया हमारे पास टोटल 1300। एंट्रेंस एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन तो आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, तो ये मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं होती वहाँ पे। ये हो गया हमारे पास, अगर ये हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1300 को लिख सकते हैं हम, यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो एक्स माइनस वन टू द पावर फोर इक्वल टू रूट थर्टीन इंटू टेन का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टीन इंटू हंड्रेड ये आ जाएगा। तो हमारे पास यहां से ये हो गया फ्रेंड्स, तो इसको लिख सकते हैं अब एक्स माइनस वन टू द पावर फोर माइनस रूट थर्टीन इंटू टेन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसको लिख सकते हैं हम ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वन का स्क्वायर और माइनस रूट थर्टीन इंटू टेन और एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये एक्स माइनस वन टू द पावर फोर है, तो इसको हम एक्स माइनस वन का, एक्स माइनस वन का स्क्वायर ले सकते हैं। तो इस टर्म पे हमारे पास ये हो गया, और ये हो गया एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस टेन इंटू रूट थर्टीन। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर ये वैल्यू राइट हैंड साइड में जाएगी, तो ये वैल्यू राइट हैंड साइड में देगी तो एक्स माइनस वन की कुछ इमेजिनरी नंबर देगा, और जबकि हमारे पास ऑप्शन में रियल नंबर है ओनली, तो यहाँ से जो वैल्यू होगी ये जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वैसे भी रियल पार्ट में देखें तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से सम कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारे पास, अब यहाँ से हमें ये टर्म जो है वो जीरो है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस थर्टीन रूट थर्टीन इंटू टेन इक्वल टू जीरो।
ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। तो अगर इसको ओपन करना चाहे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इंटू रूट 13 इंटू 10। तो फ्रेंड्स अगर इस वैल्यू को हम देखें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट 13 को क्या लिख सकते हैं हम, ये नियर अबाउट टू थ्री, सो नियर अबाउट 3 पॉइंट, अगर इसका हम रूट निकालना चाहें तो 3.4 के आसपास आएगा। अगर इसका हम रूट निकालना भी चाहें 3.4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.4 या 3.5 के नियर अबाउट आएगा। तो ये ले लेते हैं हम, इसको हम 3.5 ले लेते हैं कि 3.5 इसका रूट आया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास ये 35 और ये 36, यानी हमने इसको इक्वल टू लिया है, लगभग लगभग पास में लिया है इसके, कुछ ज़्यादा बड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम ये देखें तो अब यहाँ से हमारे पास एक्स की दो वैल्यू जा चुकी है, यानी एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 एंड x माइनस 7। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास, यहां से x प्लस 5 एंड इसको हम 35 ले लें, 3.4 लें, हमें कुछ ऐसा बनाना है कि ये वो बन जाए, फैक्टर बन जाए, 34 लें तो ये हमारे पास टोटल 35 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ये फैक्टर ले सकते हैं, यानी हमारे पास x बराबर 5 माइनस 5 एंड 7, ये हमारे पास फ्रेंड्स वैल्यूज तो आ चुकी है, बट ये हमारे पास अगर देखें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे पास कि ये माइनस फाइव और सेवन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन आया था बेसिकली ये फंक्शन, इसको देखेंगे इसके आसपास है या नहीं, और जब एफ टेक वैल्यू 1 है तो उसके आसपास अगर माइनस 5 और 7 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो इन पे आ जाएगी। तो इसके ऑप्शन अगर देखते हैं तो माइनस 5 इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, इसमें 7 आ रहा है और इसमें 7 आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो फंक्शन है हमारे पास -60 28 एंड 612, इन तीनों तीनों जो इंटरवल है इनमें ये वैल्यू ले रहा है। तो इस कंडीशन में ये ए सी एंड डी इसके करेक्ट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स।